अब देखो अपने त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करेंगे यानी उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने लिखा साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 के नीचे 0 लिख दो। अब 30 से आप गिनती लिखनी शुरू कर दो, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना, लिख दोगे। अब इन चारों के नीचे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 का बाहर गाओ, इसमें भी 4 का बाहर गाओ, इसमें भी 4 का बाहर गाओ, इसमें भी 4 का लगा दिया। अब इनके ऊपर रूट कर दो ऐसे, ये रूट, ये रूट और ये रूट, ठीक है। अब रूट निकालना अपने को, यानी पहले क्या किया अपने, गिनती लिखी 0 के नीचे तो 0 लिख दो, 0 डिग्री नीचे, 30 से शुरू हो जाओ, 30 में 1 का आगे वाला मान 45 है 2, 60 में 3 और 90 में 4, फिर इन चारों के अंदर 4-4 का भाग लगा दो, 4 का भाग इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, फिर सब पे रूट कर दो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, साइन 30 का मान आ गया 1/2। अब देखो यहां 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, पॉइंट में निकलता है, है? तो सबसे पहले अपने इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 1 का वर्गमूल 1 हो गया ना, 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता तो रूट 2 लिख दो, लिख दिया। इसमें देखो ये कटते नहीं दोनों, 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, रूट 3 करो, 4 का वर्गमूल पूरा पूरा आता है, कितना आता है 2, इनको काटो 4 एकम 4, 1 आया ना, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल, बस साइन का मान आते ही आपकी सारणी तैयार है। देखो अब मान को इधर से शुरू कर दो, देखो यहां से, ठीक है ना, इस 1 को यहां ले आओ 0 की जगह ले आए, फिर इस मान को यहां नंबर से लिखते जाओ उल्टी साइड से, लिख दिया, फिर ये तो अपने सीध में ही आ गया, फिर ये यहां चला गया और ये 0 चला गया, 2 मान हो गए ना, कोई कठिन नहीं है। अब चलते हैं टेन पे, किस पे चलते हैं, टेन पे मान करने के लिए देखो साइन कोस का मान आ गया अपने को, साइन थीटा भाग कोस थीटा, यानी टेन का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग लगा दो, कोस थीटा के मान का, साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का। अब देखो अपने साइन थीटा के मान में, ये साइन थीटा का मान है, ये कोस थीटा का है, 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0 आएगा, आ गया। दूसरा देखो साइन थीटा का मान है 1/2, 1/2 भाग कोस थीटा का मान है √3/2, तो √3/2, 1/2, ये भाग का चिन्ह गुणा में आगे वाली संख्या उल्टी, 2/√3, 2 से 2 कटा है 1/√3, ये हो गया 1/√3, हो गया। अब देखिए ये तो हो गया अपना 30 का, 60 वाले में देखो, सॉरी 45 में 1/√2 का, 1/√2 का भाग लगाएंगे 1/√2 में, तो 1/√2 भाग 1/√2 आगे वाली संख्या उठेगी √2/1, √2 से 2 1 एकम 1, 1, तो 10/45 का मान होता है 1, कितना होता है। और देखिए साइन कितना है 60, कोस कितना है 60, साइन 60 √3/2 में 1/2 का लगाएंगे, 3/2 भाग 1/2, 3/2 आगे वाली संख्या उल्टी होगी, भाग का चिन्ह बदलते गुणा होते ही 2/1, 2 से 2 क्या √3, तो 10/60 का मान हो गया √3, कितना हो गया। अब 1 के अंदर 0 का भाग लगाएंगे, ये अनंत होता ही, ये उल्टा ऐसे 8 लिख दो, लिख दिया। अब आपके 3 मान आ गए, कितने मान आ गए, समझ गए। अब ऐसे करो देखो, टेन का उल्टा होता है कोट और कोस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी अपने अपने मान को उल्टा कर दो, टेन का मान उल्टा कर दो, जहां देखो 0 आया है
वहां पर तो अनंत लगा दोगे, लगा दिया। ये एक बटा रूट तीन था, ये रूट तीन बटा एक है, एक का तो कोई मतलब नहीं होता, रूट तीन हो गया एक का, ये रूट तीन है तो इसको एक बटा रूट है तीन, यानी ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो। ये जहां क्या है अनंत, वहां पे कर दिया। देखो टेन का उल्टा हो गया कोट, हो गया। अब देखो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है, कितना है एक, एक का उल्टा क्या होता है, है? कितना करूं, एक कर दूं, है? अब ये कितना है कोस तीस, तो अपने निकालना है सेक तीस, इसके मान को उल्टा करो, दो बटा रूट है, ये कितना है एक बटा रूट दो है, तो रूट दो बटा एक करें, एक का नीचे करें तो कोई मतलब ही नहीं है, तो रूट दो आ गया। ये कोस कितना है साठ, तो सेक साठ का कितना होगा एक बटा दो है तो दो हो जाएगा, दो बटा में एक है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर कहां गया ये जीरो है क्या, जीरो, तो यहां अनंत करता हूं, ठीक है हो गया। यानी टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा जीरो आया, कर दिया। एक बटा दो है तो दो बटा एक, नीचे एक लगाते नहीं, एक बटा रूट दो है तो रूट दो, रूट तीन बटा दो है तो दो बटा रूट है तीन, और एक का ये हो गया अपना मान। कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, सरलता से एक दो बार बनाओगे बनानी आ जाएगी, ठीक है।